वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत कर लिया है। सप्तांग सिद्धांत मंडल सिद्धांत कंप्लीट होने के बाद में कौटिल्य का जो थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है षडगुण नीति, जो कि इनकी फॉरेन पॉलिसी में षडगुण नीति आती है। फॉरेन पॉलिसी का एक बेस बनती है षडगुण नीति, और साथ ही साथ डिप्लोमेसी के कुछ कंसेप्ट हैं वो भी हम साथ में देख लेंगे। कौटिल्य ने फॉरेन पॉलिसी को समझाते हुए जो षडगुण नीति बताई है, ये षडगुण नीति मनुस्मृति और महाभारत काल में भी देखने को मिलती है। ये षडगुण नीति जो है बहुत पुरानी है और हमेशा से राजाओं द्वारा अपनाई जाती रही है। हो सकता है शायद आपने इसे पहले भी पढ़ा हो, पर कोशिश करते हैं उसे और अच्छे से समझने की। षडगुण नीति में जैसा कि आप जानते हैं, छह तरह की सिचुएशंस होती हैं जो कि एक राजा को अपनानी होती हैं ऑन द टाइम ऑफ वॉर। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेधी भाव। अब कोई भी राजा ये सिचुएशन कैसे हैंडल करता है, उसको कौटिल्य ने समझाया कि अगर आपका दुश्मन, आपका एनिमी स्टेट अगर आपसे ज्यादा पावरफुल है तो आप उसके साथ ट्रीटी कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। अगर आपका एनिमी आपसे ज्यादा वीक है और आपको लगता है कि आप वॉर के लिए रेडी हैं, तो आप विग्रह, युद्ध या वॉर कर सकते हैं। अगर आपका दुश्मन किसी पर्टिकुलर टाइम पर वीक हो जाता है तो आपको यू शुड वेट फॉर दैट टाइम, आपको उस टाइम के लिए वेट करना होगा, एंड आफ्टर दैट यू शुड अटैक, आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पर अटैक करना होगा। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन कोई राजा अपनाता है तो उसे यान या आक्रमण कहा जाता है। देन अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको और शक्तिशाली बनने की जरूरत है, आपको अपने ही जो रिसोर्सेज है उनको बढ़ाने की जरूरत है, तो वो जो सिचुएशन होती है उसे कहा जाता है आसन या वेट। देन अगर ऐसा है कि आपके एनिमी स्टेट से ज्यादा पावरफुल आप नहीं हैं और आपको लगता है कि अगर वॉर होगी तो आप हार जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी और अदर स्टेट जो आपके एनिमी से ज्यादा पावरफुल हो उसकी शेल्टर में चले जाना चाहिए। और कौटिल्य तो ये तक कह रहे हैं कि अगर कोई और अदर स्टेट पावरफुल ना हो तो आप उसी एनिमी स्टेट की शेल्टर में चले जाएं, बजाय कि आप वॉर करें और अपने सैनिकों को और अपना नुकसान करें। उस वक्त शरण लेना या संचय करना ज्यादा सही निर्णय होगा। एंड लास्ट द्वेधी भाव। द्वेधी भाव से यह मतलब होता है कि आप दो तरह की सिचुएशन को एक साथ रखते हैं, आप ट्रीटी एंड वॉर साथ में करते हैं। आप किसी एक देश के साथ संधि कर रहे हैं और किसी दूसरे देश के साथ उसी समय वॉर या विग्रह कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उसे कहा जाता है द्वेधी भाव। फॉरेन पॉलिसी में आज तक ये कंसेप्ट अभी भी आधार बना हुआ है और इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी व्यावहारिक है। अब हम देखते हैं कि डिप्लोमेसी में कौटिल्य क्या कहने जा रहे हैं और डिप्लोमेसी किस तरह से इंपॉर्टेंट है। षडगुण नीति के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी का है वो है डिप्लोमेसी या कूटनीति के लिए जो इंटेलिजेंस सिस्टम बताया या जो नीतियां बताई है या जो अमृतसर सिस्टम बताया है। तो हम देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस सिस्टम को की शुरुआत जब कौटिल्य कर रहे थे, इंटेलिजेंस सिस्टम का हम कह सकते हैं कि एक पुरातन रूप हम देखने जा रहे हैं कि कैसे डिप्लोमेसी के साथ राजा को काम करना चाहिए और अपने राज्य की सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए। कौटिल्य ने सबसे पहले कहा कि किसी भी राजा को ये छह प्रकार की नीतियां अपनानी चाहिए। कौन सी नीतियां हैं? साम, दाम, दंड, भेद, माया, इंद्रजाल। साम, दाम, दंड, भेद तो आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन माया और इंद्रजाल ये दो आपको याद रखना होंगी। माया से उनका मतलब था कि कोई भी फेक न्यूज आप क्रिएट करें और अदर स्टेट को या किसी भी अपने एनिमी को भ्रमित कर दें, उसको फेक न्यूज पहुंचा दे उस तक। और नेक्स्ट है इंद्रजाल। इंद्रजाल का मतलब है मैजिक, आप कुछ इस तरह का मैजिक क्रिएट कर दें कि देखने वालों को पता ना चले कि क्या किया आपने। तो ये कुछ छह नीतियां अपनाने की वो सलाह दे रहे थे कौटिल्य राजा को किसी भी देश के। अब वो इंटेलिजेंस सिस्टम में किस तरह से गुप्तचर रखने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा एक वेल डिफाइंड सिस्टम यहां बताया है
जैसे हम आज अपनी भाषा में स्पाई कहते हैं, जो गुप्तचर होते हैं वो पहले भी हुआ करते थे और अब भी होते हैं, लेकिन उस वक्त कौटिल्य ने गुप्तचर को दो तरह का बताया। वो कह रहे हैं कि कुछ गुप्तचर स्थायी होते हैं जो उसी स्टेट में रहकर काम करते हैं, और कुछ गुप्तचर भ्रमणशील होते हैं जो अदर स्टेट में रहकर काम करते हैं। तो स्थायी गुप्तचर उन्होंने 5 तरह के बताए हैं। पहला है कापाटक, ये आपको ऐसे कैसे याद करना होगा, लेकिन मैंने उसका ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में, सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से। कापाटक यानी कि कोई स्टूडेंट की इमेज में रहकर अगर गुप्तचर है कोई स्टूडेंट अगर, तो उसे कापाटक कहा जाएगा। उदास्थित, उदास्थित से मतलब है कोई सन्यासी के भेष में रहकर अगर गुप्तचर रहता है तो उसे उदास्थित कहते हैं। गृहपतिक यानी कि कोई फॉर्मर बन के खेती करके कृषक है वो, और वो गुप्तचर है राजा का, तो गृहपति कहलाएगा। वैदेहक यानी कि कोई बिजनेसमैन है अगर, कोई स्मॉल बिजनेसमैन बन के छोटा और काम कर रहा है और न्यूज लेकर राजा तक पहुंचा रहा है, तो वो वैदेहक कहलाता है। तापस यानी कि कौटिल्य कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मुंडन करवा कर रहे और स्टेट में न्यूज कलेक्ट करता रहे और राजा को पहुंचाता रहे। तो ये 5 तरह के ऐसे गुप्तचर हैं, इस तरह के स्पाई हैं जो एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही स्टेट में रहते हैं और काम करते हैं उसी स्टेट के लिए। देन भ्रमणशील, इस तरह के गुप्तचर, इस तरह के स्पाई जो अदर स्टेट में रहते हैं या किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते रहते हैं और राजा के लिए काम करते हैं, जैसे कि सत्री। इसमें भी 5 तरह के हैं। पहला है सत्री। सत्री से यह मतलब है कि कोई आर्टिस्ट हो या कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर हो, तो आर्टिस्ट यानी कि कलाकार या ज्योतिष जानने वाला कोई हो तो वो राजा के लिए काम करेगा और अलग अलग प्रदेशों में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एज ए गुप्तचर। तिक्ष यानी कि कोई योद्धा हो, कोई वॉरियर हो जो एक योद्धा बन के रहे और अदर स्टेट में जाए और गुप्तचर के भेष में रहे और राजा के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। रसद, ये उस वक्त विषकन्या का एक दौर था और कौटिल्य ने इसकी शुरुआत करी थी, ऐसा कहते हैं कि कौटिल्य के समय से ही विषकन्या का प्रयोग किया जाने लगा, तो उस वक्त रसद नाम से इन्हें गुप्तचर माना जाता था। ये विषकन्या के रूप में रहती थी और अदर स्टेट में जाकर राजा की हत्या करते थे। परिव्रजिका, परिव्रजिका से मतलब है सन्यासी, ऐसा सन्यासी जो दूसरे स्टेट में भ्रमण करे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। और लास्ट है उभय वेतन भोगी। उभय वेतन भोगी से यहां मतलब है अदर स्टेट एम्प्लॉय, ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुप्तचर, ऐसा स्पाय जो अदर स्टेट में किसी छोटे एम्प्लॉय के रूप में काम करे दूसरे राजा के यहाँ और अपने राजा को इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। तो ये गुप्तचर या स्पाय सिस्टम पूरा का पूरा वेल डिफाइंड, बिल्कुल बढ़िया से उन्होंने डिजाइन किया था कौटिल्य ने, जो आज भी हमारे स्टेट के लिए या अदर कंट्रीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देन राजदूत, जो आज भी होते हैं, तब भी होते थे, एम्बेसडर जिन्हें हम कहते हैं, तो उस वक्त कौटिल्य ने 3 तरह के राजदूत बताए जिनका जो नाम है वो संस्कृत शब्द ही है और आपको उन्हें एज इट इज ऐसे ही याद करना है एग्जाम के लिए। निशिष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। तीनों में अंतर क्या है ये बता देती हूँ। निशिष्टार्थ वो है जो पावरफुल है, जिसके पास पावर है। निशिष्टार्थ राजदूत के पास इतनी पावर होती थी कि वो राजा से बिना एडवाइस करे भी संधि कर सकता था कोई भी दूसरे राज्य के साथ या कोई डिसीजन ले सकता था। परिमितार्थ वो होता था जिसे राजा की एडवाइस लेकर और फिर डिसीजन करने होते थे, लेकिन शासनहार वो होता था जिसके पास कोई पावर नहीं होती थी, नो पावर। बस ये एक राजदूत के रूप में काम करता था, लेकिन जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आती थी तो इसे राजा को कहना होता था और राजा डिसीजन करके इन्हें बता देते थे। तो इस तरह से 3 तरह के राजदूत का वर्णन मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ये कौटिल्य की डिप्लोमेसी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको यहाँ बताए, और एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप एज इट इज याद कर लें। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। अगला जो हमारा रहेगा वीडियो, वो लास्ट वीडियो रहेगा कौटिल्य का, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पर्सनल सिस्टम और कौटिल्य की आज के समय में प्रासंगिकता को देखेंगे।